नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube चैनल के बारे में, कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, YouTube चैनल्स में सेटिंग कैसे करना है और YouTube चैनल में कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं जिससे आपका चैनल ग्रो कर सके। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसको आप देख के चाहें तो मिनटों में YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल YouTube एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम वीडियो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। आज के डेट में हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो YouTube को अपना करियर बना चुके हैं और इससे बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि आपको YouTube चैनल के बारे में बताऊं, जिससे आप भी अपना चैनल बनाकर इस पे वीडियो अपलोड करके आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आपको YouTube चैनल से रिलेटेड पूरा सेटिंग्स बताने वाला हूं, जो आपको काफी काम आएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा लाइव देखते हैं, उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो नया YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में YouTube ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आता है साइन इन का। अगर आपका साइन इन नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी पहले इसमें अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन कर रखा है तो अपने आप साइन इन हो जाएगा ये, आपको फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट साइन इन हो गया है। तो जैसे ही आप इस ऑरेंज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो ये लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके अकाउंट का पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपका नाम ये है, आपका ईमेल आईडी ये है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका नया जीमेल अकाउंट है और उसमें आपने कोई चैनल क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अ चैनल का, आपको इस पे क्लिक करके चैनल क्रिएट करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इंट्रो दे रहा है कि आपका जर्नी शुरू होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल, आप इस चैनल को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा यूज योर नेम और यूज अ कस्टम नेम। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका नाम है उसी नाम से आपका चैनल क्रिएट हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने चैनल का नाम कुछ और देना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है यूज अ कस्टम नेम पे। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम मेरे ही नाम से हो तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लिख के आ रहा है नाइस वर्क, योर चैनल अमित कुमार हैज बीन क्रिएटेड, मतलब आपका चैनल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, आप यहाँ पे चाहें तो अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड अ पिक्चर पे। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा फोटो इसमें अपलोड करना चाहते हैं। अगर मुझे ये फोटो अपलोड करना है तो मैं इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा और थोड़ी देर में आपका ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेल्स व्यूअर अबाउट योर चैनल, यहाँ पे आपको अपने चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपका चैनल किस चीज के लिए है और आप कौन सा कंटेंट इस पे बनाएंगे। यहाँ पे अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने चैनल का कि ये चैनल मेरा इसके बारे में है और मैं इस पे इससे रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूंगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा ऐड अ लिंक टू योर वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपने फेसबुक, यहाँ पे आप चाहें तो अपना सोशल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक का URL यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप अपने ट्विटर का URL ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का URL ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चैनल पूरी तरह से क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको नो सब्सक्राइबर दिखेगा क्योंकि आपके चैनल पे कोई सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है। यहाँ पे आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो शो होगा यहाँ पे। अगर आप कोई प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ से प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके चैनल के बारे में दिखेगा कि आपने कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आपके चैनल पे कोई कमेंट्स करता है तो ये दिखेगा और यहाँ पे आपका चैनल का अबाउट दिखेगा कि आपका चैनल कब से बना हुआ है और आपके चैनल के बारे में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए ज्वाइन ऑन 29th May, मतलब ये चैनल मैंने आज ही बनाया, तो ये डेट आपको लिख के हमेशा आएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इस सबको एडिट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को कभी भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है कस्टमाइज चैनल, यहाँ है यूट्यूब स्टूडियो। तो आपको यहाँ से पहले क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पे जाना है। कस्टमाइज चैनल पे जाने के बाद आपको इसमें बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं अभी, जो आप अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल का कोई आइकन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके चैनल का फोटो आप चाहें तो आप यहाँ पे अपना फोटो भी लगा सकते हैं। आपको इस एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि आपके गूगल अकाउंट से चैनल का आइकन आता है, अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं तो थोड़े देर में ये यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ से हम यहाँ पे एडिट करके देख लेते हैं। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा ऐड प्रोफाइल पिक्चर, तो आपको इस पे क्लिक करना है और अपना फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप चाहें तो फोटो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, या फिर कोई भी फोटो आपने अगर पहले अपलोड कर रखा है तो आपको यहाँ पे योर फोटो पे दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई भी फोटो अपलोडेड नहीं है, तो आपको इस अपलोड फोटो पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं ये फोटो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये देख सकते हैं ये फोटो मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया, और इसको चाहें तो आप अपने अनुसार इसको क्रॉप और जूम कर सकते हैं ताकि आपका फेस इसमें पूरा दिखे। इसको एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेट प्रोफाइल फोटो कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गया। यहाँ से आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया था वो आ रहा है। इसके बाद हम वापस चैनल पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो गया। आप यहाँ पे चाहें तो इसका बैकग्राउंड आर्ट भी लगा सकते हैं, जिसका साइज आप देख सकते हैं कि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप अपने अनुसार चाहें तो इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट लगाने के लिए ऐड चैनल ऐड करना होगा आपको, और फिर उसको अपलोड करना होगा अपने कंप्यूटर से। तो इस टाइप का कुछ मैंने बैनर बना रखा है, मैं चाहूंगा इसको अपलोड कर दूं, तो आपको इस पे सिलेक्ट करके और अपलोड करना है। तो ये आपको ये दिखा रहा है प्रीव्यू कि आपके कंप्यूटर पे ऐसा दिखेगा, टीवी में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है यहाँ पे। आप इसको चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पीछे ये फोटो अपलोड हो गया। तो इस तरह से कुछ आएगा जब भी आप कंप्यूटर पे ओपन करेंगे। तो होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है यू डोंट हैव एनी रिसेंट अपलोड, मतलब हमने अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे आपका वीडियो दिखेगा जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे इस पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ आपका प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपके जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, यहाँ पे आपका अबाउट दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये चैनल पूरी तरह से क्रिएट हो गया है। इसके अलावा आपके चैनल में बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपको करने होते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, यहाँ आप देख सकते हैं इस पे आपको प्राइवेसी पूछ रहा है कि ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, मतलब आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप जो भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो किसी और को नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये अगर आप सिलेक्ट कर रखते होते हैं तो ये प्लेलिस्ट किसी और को नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेस मोर ऑप्शन इन अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आप कुछ चाहें तो एक्स्ट्रा चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके चैनल से रिलेटेड है कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल, आप चाहें तो अपने चैनल का लेआउट कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सेस मोर ऑप्शन इन एडवांस सेटिंग, अगर आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको चैनल से रिलेटेड सेटिंग्स के कुछ और भी ऑप्शन दिखेंगे। एडवांस सेटिंग्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका प्रोफाइल आ रहा है। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके कुछ चैनल्स के कीवर्ड्स आएंगे। कीवर्ड्स वो चीज होता है जिसके थ्रू कोई भी यूजर्स अगर आपको चाहे तो सर्च कर सकता है। अगर आप यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं वो भी बेटर है, और अगर आप चाहें तो अपना भी नाम डाल सकते हैं। अगर कोई यूजर यूट्यूब में सर्च करता है तो आपका चैनल उसको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ अपने रिलेटेड कंटेंट रखिए जो कि आप जो यूनिक हो, और अगर कोई सर्च करे तो उसको ये चैनल दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है, अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, बट इसको ऐसे ही ओपन रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो एडवर्ड अकाउंट लिंक कर सकते हैं, जिससे आप चाहें तो अपने वीडियो को प्रमोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए चैनल रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पे अलाउ माई चैनल टू अपीयर इन द अदर चैनल रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका चैनल किसी और को रिकमेंड हो, मतलब किसी और को शो करे, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्राइबर काउंट, मतलब आपके चैनल पे कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। आपको डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको दिखेगा, या फिर किसी को भी दिखेगा कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आप चाहें तो गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी भी डाल सकते हैं, जिससे आपका चैनल ट्रैक होता रहे। उसके बाद इस पे सेव बटन पे क्लिक करना है आपको, तो आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, इस पे क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो में चले जाइएगा। तो वहाँ चलते हैं। ये आपके सामने इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हेलो न्यू यूट्यूब स्टूडियो, गुड बाय क्लासिक स्टूडियो, मतलब इसका कुछ पुराना वर्जन था पहले, वो रिप्लेस होके नए यूट्यूब स्टूडियो में चेंज हो गया है। आप इसको चाहें तो लर्न मोर पे क्लिक करके इसका देख सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो ये देखिए ये बटन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके आप लाइव जा सकते हैं। बट इन सबके लिए हमें और भी कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी जो आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका चैनल का नाम और आपका आइकन आ रहा है जो कि थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस, मतलब जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे वो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट, अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं, किसी वीडियो को कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे आएगा। आप यहाँ से एनालिटिक्स पे क्लिक करके अपने व्यू देख सकते हैं कि आपके किस वीडियो पे कितना व्यू आया है। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स देख सकते हैं वीडियो में कि आपके वीडियो पे क्या क्या कमेंट्स आया है। यहाँ से आप चाहें तो वीडियो का सबटाइटल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके वीडियो पे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि अभी ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए।
जो कि आप वीडियो अपलोड करेंगे तो धीरे धीरे आपके चैनल पे आएगा। यहाँ से आप कुछ और सेटिंग्स देख सकते हैं, सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। ये जनरल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका इसमें करेंसी डिफॉल्ट क्या है, मतलब पहले से ये यूएसडी में है, आप इसको चाहें तो INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम INR सेलेक्ट कर लेते हैं, ये INR इंडियन रुपीज, तो यहाँ से ये INR में आ गया। यहाँ पे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ से चैनल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिलेगा आपको। ये देखिए आपके चैनल का नाम, और यहाँ पे आप जो कीवर्ड डालेंगे, तो जैसे आपने वहाँ पे कीवर्ड डाला था, आप यहाँ से भी कीवर्ड डाल सकते हैं। ये आपके कंट्री सिलेक्ट करना है आपको। तो एडवांस सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो आपको यहाँ से सेट करना है यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते टाइम अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए वो आपका लिस्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं किसी के सामने ये आपका सब्सक्राइबर काउंट दिखे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से आप अपने चैनल को डिलीट और हाइड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रांडिंग में आप जाएंगे, ब्रांडिंग में आप चाहें तो आप अपने यहाँ पे चैनल का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ से चूज इमेज करके आपको यहाँ पे लोगो लगा लेना है, जो कि आपके पूरे वीडियो में दिखाई देगा ये। तो हम आते हैं यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट्स में। यहाँ पे आप बेसिक इन्फो दे सकते हैं कि अगर कोई भी वीडियो आप अगर अपलोड करते हैं उसमें पहले से ये लिखा हुआ आए, जो भी आपके हर एक वीडियो में आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, आपको हर वीडियो में लिखा हुआ आएगा। अब इसको चाहें तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखे। यहाँ से एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ से आप लाइसेंस सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप वीडियो का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी से वीडियो है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ओरिजिनल वीडियो लैंग्वेज, आप वीडियो का लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है, और यहाँ से अगर आपके पास कैप्शन है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से आप चाहें तो अपने वीडियो पे कमेंट्स को अलाउ और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ परमिशन में आप देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल का परमिशन किसी और को भी दे सकते हैं। आप इन्वाइट पे क्लिक करके उसका ईमेल आईडी देके उसको इन्वाइट कर सकते हैं, ताकि आप अगर कभी बिजी हो जाएं तो आपका चैनल मैनेज कर सकता है। यहाँ पे एक कम्युनिटी का एड्रेस है, इसमें चाहें तो अपने चैनल के बीच में मॉडरेटर बना सकते हैं। यहाँ पे अप्रूव्ड यूजर जो भी हैं उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी भी यूजर को हाइड कर रखा है तो यहाँ पे दिखेगा, अगर आपने किसी भी यूजर या चैनल को आपने ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस डिफॉल्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट ऑन योर न्यू वीडियो, यहाँ पे अलाउ कमेंट पे क्लिक करना है आपको, ताकि कोई वीडियो पे कमेंट्स कर सके। आप यहाँ से चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट योर डिस्कशन टैब, मतलब जो आपके चैनल पे जो कमेंट्स आएगा वो आप यहाँ से चाहें तो अलाउ कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो फिर से डैशबोर्ड पे चल के देख लेते हैं हम। तो ये आपके चैनल का डैशबोर्ड है, आपको वीडियो अपलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना है। ये जो एरो दिख रहा है आपको अपलोड वीडियो, इस पे आप क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और आप इस पे क्लिक करके लाइव जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।